और इन साल रमजान करीम में जहां अल्लाह पाक की और रहमतें हैं, वहां सबसे बड़ी रहमत यह है कि हमारा मुल्क इक्तसादी बदहाली के बावजूद तरक्की की राह पर गामजन हो चुका और ईशा की नमाज के फौरन बाद दुआ की जानी चाहिए। हर साथी इंफरादी तौर पर ये दुआ करे कि अल्लाह पाकिस्तान को इक्तसादी बदहाली से निजात दे, आमीन। और हमारे मुल्क में जो महंगाई है, अल्लाह इसको आसानी से मुबद्दल फरमाए। इसलिए कि रमजान करीम की दुआ जो इज्तिमाईयत के लिए की जाती है, बहुत ज्यादा शर्फ कबूलियत पर। मैं आपको एक वजीफा अर्ज करता हूं, इस वजीफे का नाम है जानदार शानदार। ये वजीफा ये है कि ईशा की नमाज पढ़कर सुन्नतें पढ़ने से पहले 10-10 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। हदीस शरीफ में आता है कि जो सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ लेता है, जन्नत में उसका घर बन जाता है। तो जन्नत की प्रॉपर्टी के अगर आप मालिक होंगे तो अल्लाह को शर्म आएगी, इसका जन्नत में मकान है और मैं इसको दुनिया में अजाब में मुब्तला हूं। इसलिए रमजान के अंदर हर नमाज के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए और अपने लिए दीन और दुनिया की बेहतरी के लिए और पूरी उम्मत की कामरानी के लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो और इस रमजान करीम को हमारे लिए बरकत का बारिश हो। हम इंशाल्लाह 27वीं शब को कुरान मजीद खत्म करेंगे और आखिरी अशरे में, आखिरी जो 10 दिन है, हर रात 12 बजे से 1 बजे तक मजलिस जिक्र मुनाकिद हुआ करेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन आमाल हसना को कबूल फरमाए। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तहकीर से उसकी वजह पूरे मुल्क में यकजहती की फजा पान करना हमारा बुनियादी मकसद है। हजरत मौलाना अब्दुल कबीर आजाद चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी को कल जोहर के बाद हमने ये गुजारिश की कि चांद को हम पेशावर जाके देखेंगे और पूरे मुल्क में एक ही दिन ईद होगी, एक ही दिन रमजान करीम का आगाज होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ताखीर तो हुई, कुछ वजह ताखीर भी थी कि पूरे मुल्क से अल्हम्दुलिल्लाह इत्तलाआत आई और पूरी उम्मत ने पेशावर से लेकर गवादर तक, गवादर से कराची और गिलगित तक एक ही दिन में तरावी पढ़ी। अगरचे हमारे मरकज में इशा हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद तरावी का आगाज 11 बजे शब हुआ और 12:09 पे हम तरावी सिखा रहे। आज पूरी उम्मत को मुश्तरका तरावी की इब्तदा और आगाज मुबारक है और इन साल रमजान करीम में जहां अल्लाह पाक की और रहमतें हैं, वहां सबसे बड़ी रहमत यह है कि हमारा मुल्क इक्तसादी बदहाली के बावजूद
तरक्की की राह पर गामजन हो चुका और ईशा की नमाज के फौरन बाद दुआ की जानी चाहिए। हर साथी इंफिरादी तौर पर ये दुआ करे कि अल्लाह पाकिस्तान को इक्तसादी बदहाली से निजात दे। आमीन। और हमारे मुल्क में जो महंगाई है अल्लाह इसको आसानी से मुबद्दल फरमाए। इसलिए कि रमजान करीम की दुआ जो इज्तिमाईयत के लिए की जाती है।